सही, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको सारी जरूरी बात तभी क्यों करनी होती है जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ? अगर जरूरी नहीं होती तो तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता ना। अगर आपकी वो जरूरी बात आज शाम की बात है ना, तो मैं अपना समय बचा लेती हूँ। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपने पाखी दीदी को जो गुलाब दिया मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जान के बहुत अच्छा लगा मुझे तो। अब क्या मैं वो पूछ सकता हूँ जो मुझे पूछना है, कि पाखी को कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें फूल दिया था? वो तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है आई ने बता दिया हो। मतलब तुमने आते ही आई को सब कुछ बता दिया? ओहो, आप में तो सब्र है ही नहीं बिल्कुल। तुम्हारे साथ रहता हूँ, इससे ज्यादा किसी में क्या सब्र होगा। क्या? नहीं कुछ नहीं। आई ने मेरे फोन में फोटोज देख ली थी, कॉलेज वाली, जिसमें सुबह आप मुझे फूल दे रहे थे। अब आपके जवाब का सवाल मिल गया हो तो मैं पढ़ाई करूं प्लीज। ओ टॉपर, जवाब का सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब होता है। ओहो, एक ही बात है ना, पढ़ाई करने दीजिए। नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दो। कौन सी बात? लद्दाख वाली। इसमें बात क्या करनी है? मैंने बोल दिया ना, मुझे आपके और पाखी दीदी के साथ नहीं जाना, तो बात खत्म। हाँ, तुमने तो बोल दिया तो बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई है, बात शुरू हुई है। क्या परेशानी है? क्यों नहीं चलना चाह रही हो साथ में? मैं कोई हॉलिडे ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ पाखी के साथ। मैंने ऐसा कब कहा? मैं अच्छे से जानती हूँ कि शादी के बाद पाखी दीदी उदास है और आप एज हर बेस्ट फ्रेंड उन्हें खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए सम्राट दादा के ऑफिस के आसपास की जगह घुमाएंगे फिराएंगे। और वैसे भी आपके परिवार वाले चाहते हैं कि आप जाके पाखी दीदी को साइट सीइंग करा लाए, तो ठीक है, आप दोनों आराम से जाइए, घूम कर आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया खत्म? नहीं, मुझे लगा अगर कुछ बाकी है तो बोल लो, वो भी सुन लेता। मुझे जो बोलना था ना मैं बोल चुकी हूँ, और वैसे भी ये टॉपिक आपने शुरू किया था, इसीलिए मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आपके और पाखी दीदी के जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? आज कुछ हटके करते ना सही, मतलब फॉर अ चेंज तुम आज मुझे बोलने का मौका दो। आई नो थोड़ा मुश्किल है, पर बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखते ना। आई नो यू कैन डू इट। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बोलने नहीं देती? आप कितना बोलते हैं, दिन रात बस मुझे डांटते रहते हैं, और हाँ ठीक है बोलिए। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि मुझे सम्राट के ऑफिशियल काम के लिए जाना तो है ही। हाँ। और उस लेटर में जो जो लिखा था वो सारा काम खत्म करने के लिए पाखी को बहुत सारी जगह पे सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे, तो उसका भी जाना जरूरी है। हाँ तो जाइए ना, अब मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ सही, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। नो थैंक्स, मैं नहीं जाना चाहती, और मैं नहीं चाहती पाखी दीदी मुझे और गलत समझे। सही, इतनी सिंपल सी चीज को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो, क्यों उलझा रही हो, क्यों नहीं चलना चाहती तुम? अरे आप क्यों चाहते हैं कि मैं चलूं साथ में? क्योंकि सही तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। अच्छा, तो अब आपका कभी भी कहीं भी ट्रांसफर होगा तो आप मुझे साथ लेके चलेंगे? ऑफ कोर्स, जरूर साथ में लेके चलूंगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप मानते हैं ना कि मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा, है ना, मेरे जाने से? तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी पढ़ाई को नुकसान होगा। थैंक यू। क्यों बहाने ढूंढ रही हो मना करने के, क्या परेशानी है? क्योंकि फिर सब मेरी बेइज्जती करेंगे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? अब क्यों जिद कर रहे हैं मुझे साथ ले जाने के? क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनो, ये शॉर्ट ट्रिप है तो अपने कपड़े मेरे बैग में डाल देना। नहीं नहीं, मेरे कपड़े अपने बैग में डाल देना। पाखी,
सब ठीक था? ये तो तुम बताओ विराट, तुम्हारे साथ तो सब ठीक है ना? और आज जो ये तुम सबके लिए फूल गिफ्ट वगैरह लाए थे वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, क्यों? मैंने तुम्हें बताया तो था मैं ये वैलेंटाइंस वगैरह सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, ये सब तो मैंने घर में खुशियां बांटने के लिए किया था, सबको ये याद दिलाने के लिए किया था कि सबको सबकी परवाह है। अच्छा, और सई के कॉलेज में वहां किसको परवाह दिखाने गए थे तुम विराट? उसे उसके कॉलेज में रोजेस देने, वो भी उसके दोस्तों के सामने, फुल ऑन शोर शराबा करके, सबके सामने फोटोज खिंचवा के। बाकी सई के कॉलेज में एक हरासमेंट केस हुआ था, कॉलेज के डीन ने मुझे पर्सनली कॉल किया था, इसलिए मैं वहां एक पुलिस ऑफिसर बन के गया था, सई का हस्बैंड नहीं। तो एक आईपीएस ऑफिसर हरासमेंट केस की इन्वेस्टिगेशन करने जाते हुए अपनी बीवी के लिए रोजेस खरीदना नहीं भूला। बाकी तुम जैसी समझदार और मच्योर लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा। तुम जानती हो ना कॉलेज में कैसा माहौल होता है, सई के कुछ दोस्तों को पता चला कि मैं उसका पति हूं तो वो जिद करने लगे कि मैं उसे एक रोज दे दूं तुम्हें। और तुमने रोजेस दे दिए? हाँ, इसमें गलत क्या किया मैंने? जैसे मैंने सई को रोज दिया, मैंने तुम्हें भी दिया, काकू को दिया, आई को दिया, सोनाली काकी को दिया, करिश्मा को भी दिया, सबको दिया। क्या गलत किया मैंने पाकी? क्यों बात को खींच रही हो? एक मैं ही तो हूँ जो हर बात को खींचती हूँ विराट, एक मैं ही तो हूँ जो हर बात को गलत समझती हूँ। ऐसा मैंने नहीं कहा पाकी, मैं बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान की खुशियों में खुश रहना सीखे तो उसकी खुद की खुशी दुगनी हो जाती है। जरूर होती होंगी विराट, लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में खुशियां हो ही नहीं उसकी खुशी दुगनी कैसे हो सकती है? हे सई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वो अनिकेत बता रहा था कि तुम्हारे हस्बैंड कॉलेज में आए थे और काफी तारीफ कर रहा था उनकी। हाँ, एक केस के सिलसिले में आए थे। अच्छा, वैसे तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा ना, यू माइट बी फीलिंग प्राउड कि सब तुम्हारे हस्बैंड की तारीफ कर रहे हैं। और तुमने बताया भी तो था कि वो बहुत ही प्रोग्रेसिव ख्यालात के इंसान है और तुम्हें सपोर्ट भी करते हैं तुम्हारी पढ़ाई में, राइट? हाँ, लेकिन वो बहुत बुरे हैं। बुरे? अरे मतलब वो बुरे 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 नहीं, बुरे बुरे बुरे। वो ना वैसे तो बहुत अच्छे इंसान है, नेक है, शरीफ है, ईमानदार है, बहादुर है और सबकी बहुत परवाह करते हैं। कभी कभी तो उनका व्यवहार एकदम आबा के जैसा होता है, एकदम आबा की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। तो फिर सही वो बुरे कैसे हुए? नहीं नहीं, एक्सप्लेन नहीं, समझाओ मुझे। अरे इतना कुछ वो करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें उनसे और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है उनसे, उन्होंने तो शादी के पहले दिन ही सब कुछ क्लियर कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूं, कोई उम्मीद नहीं रखूं। वो किसी और के हैं, कहने के लिए मेरे पति है लेकिन सिर्फ नाम के। और आपको पता है सर, हम लोग जब भी बात करते हैं ना झगड़ा हो जाता है, बात करते हैं झगड़ा हो जाता है। I understand all that. लेकिन एक बात कहूँ सही, जितना तुम्हारे पति तुम्हारे लिए करते हैं ना, आज के टाइम पे कोई किसी के लिए नहीं करता। आप भी उन्हीं की साइड ले रहे हैं। सही, एक बात कहूंगा बुरा मत मानना। देखो तुम एक शादीशुदा लड़की हो, डॉक्टर बनने वाली हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें हैं ना बिल्कुल बच्चों जैसी है। सच में जस्ट लाइक अ किड, तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरी 8 साल की बच्ची याद आती है, हरिनी। आप भी मुझे बच्ची बोल रहे हैं, मेरे पति भी हमेशा मुझे बच्ची ही बुलाते रहते हैं। मुझे बलून्स और बुढ़िया के बाल पसंद है ना, के बाल? मतलब कैंडी फ्लॉस। हाँ। मुझे बलून्स और कैंडी फ्लॉस पसंद है ना, इसीलिए। बिल्कुल सही बोलते हैं, बिल्कुल बच्ची जैसी तो हो तुम। वैसे मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो अनिकेत कुछ बता रहा था। एसीपी विराट चौहान। चौहान, विराट चौहान। इतनी हिम्मत है तुम में कि तुम डीएसपी नागेश चौहान की बेटी को भगा कर ले जाओ? अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी से नहीं डरता। आई सॉरी,
लेकिन अगर तुमने देवयानी चौहान के अलावा किसी और के बारे में भी सोचा ना, तो याद रखना मेरा प्यार और मेरी मार दोनों भी बहुत खतरनाक है, समझ ला? समझ ला माँ जी सरकार। सर क्या हुआ सर? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे। अच्छा सर मुझे बहुत लेट हो रहा है मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए, मैं चलती हूँ, बाय बाय। गो गो बाय। कहीं सही और देवयानी किसी तरह एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है? वहीनी या जेवायला लागल का जेवण? हो ठीक है। देवी जा रही हो? अरे कोई रोको उसे। देवी अगर थाम। नहीं 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 छोड़ा मना छोड़ा नहीं छोड़ा मुझे छोड़ा। देवी ये चुड़ैलो जैसे तैयार होकर कहाँ जा रही है? आई मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। मूर्ख पड़ा करो नुकुस, चुपचाप अपने कमरे में जा। नहीं आई, मुझे अपने पति से मिलने जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। आई मुझे जाना है, मुझे जाने दो। सोनाली करिश्मा पकड़ो इसे और ले जाओ इसे अपने कमरे में। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। अपने कमरे में ले जाओ और बंद करो बाहर से कमरा। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, देवी मुझे अपने पति से मिलने जाना है, जाने दो। देवी ताई एक मिनट वीरू देखना, ये लोग मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। मुझ पे भरोसा है? हाँ तू तो बहुत अच्छा, ये लोग सब गंदे हैं। ताई मेरी बात मानना, तू अपने कमरे में जा और इंतजार कर, मैं सबसे बात करता हूँ ना, वो तुझे जाने देंगे। सच्ची मुच्ची जा पहले तैयार हो जा। क्यों मैं अच्छी नहीं दिख रही क्या? ओ, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। ओके इस समस्या का हल जल्दी ढूंढना होगा, बस अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। चला जवाला। विराट वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम कहाँ जा रही हो? दूसरी जगह पढ़ाई करने। आपको इनसे जरूरी बात करनी है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर मैं विराट से कुछ बात करने आई हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमरे से उठ के बाहर चली जाओगी। पाखी दीदी क्या आप मेरे सामने अपने दिल की बात इनसे कर पाएंगी? और आप अच्छे से प्लानिंग भी तो नहीं कर पाएंगी। तुम्हें क्या लगता है सही कि मैं विराट से किस तरह की प्लानिंग करने वाली हूं?
सही, अगर तुम सिर्फ इसीलिए बाहर जा रही थी क्योंकि पाखी मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी, तो ये पाखी के इंसल्ट करने जैसा ही है। और दूसरों की पर्सनल बातें सुनना वो भी तो गलत है। तुम अपनी सोच और हरकत दोनों सुधार लो सही, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी भी सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव ही पक रहा है। देखिए बाकी दीदी, आप दोनों शांत हो जाओ, क्या हो रहा है? बोलो क्या जरूरी बात थी? वो मैं हमारे टिकट्स बुक कर दूं? मुझे लगा कि तुम्हें ऑफिस के काम होंगे, तो मैंने सोचा कि टिकट्स तो मैं खुद भी बुक कर सकती हूँ, तो कर दूं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टिकट्स ही बुक करवानी है ना, कितना टाइम लगेगा? मैं ही करवा दूंगा। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और हाँ, तुम ना अपने गर्म कपड़े रखना मत भूलो, बहुत ठंड होती है ना वहाँ, इसलिए। ठीक है। पाखी, वो लेटर में जो जो लिखा था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उसे ध्यान से देख लेना और कलेक्ट करके रख लेना, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। ठीक है। विराट सर ने मुझे अपने साथ चलने के लिए इतनी मिन्नतें की, लेकिन पाखी दीदी को एक बार भी नहीं बताया कि मैं इनके साथ चल रही हूँ। और वो जो तुम्हें कपड़े वगैरह जो भी रखने हैं वो तुम मुझे दे दो, मैं एक ही बैग में पैक कर दूंगी, ताकि बिना वजह दो दो बैग नहीं उठाने पड़ेंगे। वो आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उनका सूटकेस मैं पैक करूंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब विराट और उसकी हर चीज का ध्यान रखने के लिए उसकी बीवी जो है, समझ गई मैं सही कि तुम्हें विराट का बैग पैक कर रही होगी। हाँ बिल्कुल, और क्यों नहीं बाकी दीदी? सही, बाकी तुम्हें मेरे पैकिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, तुम अपनी तैयारी कर लो। विराट सर बाकी दीदी को बता क्यों नहीं रहे हैं कि इन्होंने मुझे मेरा और इनका सामान एक ही बैग में पैक करने को बोला है? और हाँ एक और बात, वो मैं दो चार एक्स्ट्रा दिन की भी पैकिंग कर लूं। वो बड़ी मामी ने कहा था ना कि हम आसपास की जगह भी घुमाए, तो हम रुक रहे हैं ना साइट सीइंग के लिए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.